Sudama. Okay, thank you, Father. पर्सनल विजन का पूरे इन फाइव डिसिप्लिन्स में देखें तो इसकी अहमियत इस प्रकार से है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ना है तो इट विल हैव टू प्लान फॉर द पर्सनल मास्टरी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सभी का क्या जो पोटेंशियल है एज अ लीडर, एक तो मुझे पता होना चाहिए और दूसरा उस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। जैसे हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान करते हैं वैसे ही एक पर्सनल डेवलपमेंट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए फॉर एवरी स्टाफ। तो उनकी स्किल्स, उनका नॉलेज, उनकी एटीट्यूड, हर एक के बारे में, उनका जो डे टू डे रूटीन में कार्य करते हैं उसका पर्सनल सेल्फ अप्रेजल उनका एक वो होना चाहिए जिसके आधार पे वो खुद तय करें कि व्हाट डू आई नीड टू और व्हाट आई प्लान टू लर्न दिस ईयर, व्हाट न्यू थिंग्स आई वुड वांट टू डू दिस ईयर। एंड एज अ लीडर वी शुड बी हेल्पिंग देम इन मेकिंग दोज प्लान्स। तो इस साल मैंने किस प्रकार से अपने आप को आगे लेकर गई, मे बी नेक्स्ट ईयर आई वुड वांट टू प्लान समथिंग एल्स। So that would help them continuously see themselves in a growth path. Otherwise, in this profession, it's very easy to get lost in the day-to-day work that we do, and we will never grow from where we are. तो एक बार सिस्टम में आ गए तो हम वही चीज करते रहते हैं जिंदगी भर और हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी जब मैं ये कर रही थी, आंटी सर मेरे कान में आकर बोले, तुम तीसरी बार ये सेम तरीके से पढ़ा रहे हो। So this is how, otherwise we are lost into what we are doing, and that becomes a kind of habit because I don't need to prepare for it, my mind is already set into it, so I enter into the classroom and I begin. But if I need to grow from there, to maine usko isme bola, okay, tell me something new, how do we do it? So this is also a kind of engagement you can have as colleagues with yourself. ठीक है, हम इस तरीके से कर रहे हैं, इफ वी वॉन्ट टू डू इट इन अ ऑल्टरनेटिव और अ डिफरेंट मैनर व्हाट इट कुड बी, लेट अस सिट टुगेदर, थिंक ओवर इट एंड टॉक। सो दिस इज हाउ पर्सनल मास्टरी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, एवरी स्टाफ, एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी प्लान्ड। तभी वो बंदा, तभी वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। बट सेंगे एक चीज के लिए कॉशन देते हैं हमको, दैट पर्सनल मास्टरी ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो, बट एवरी इंडिविजुअल इज मूविंग ऑन अ पर्सनल मास्टरी पाथ डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग। इसका क्या मतलब है कि आप सबकी पर्सनल मास्टरी के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन मेहनत कर रहा है, टीचर्स को ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है, पर वो टीचर्स, वो जो ग्रोथ हो रही है, यहाँ से आप सब जो सीख कर जाते हो, जब तक कि आपके स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, जब तक कि आपके बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ उसको शेयर नहीं करते हो, जब तक कि आप सब मिलकर कमिट नहीं करते हो कि हम सब अपने स्कूल में सुधार लाएंगे इस प्रकार से, तब तक आपके स्कूल में सुधार नहीं आने वाला है। अब रूपला जी ने कहा हमने ये ट्रेनिंग ली हुई है 10 दिन की, आई वुड वॉन्ट टू नो फ्रॉम हिम आपने अपने स्कूल में क्या परिवर्तन लाया इसके बाद। सो अनलेस आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अनलेस आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग वॉट आई हैव लर्न एनीवेयर, तो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट तो हो रहा है बट वो पर्सनल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशन को कोई फायदा नहीं होगा अनलेस आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग बैक टू द इंस्टीट्यूशन। सो ये चीज भी बहुत अहमियत रखती है, दैट एज अ लीडर वी ऑल्सो सी दैट व्हाइल वी प्लान फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट और मास्टरी ऑफ एवरी मेंबर, वी ऑल्सो सी दैट दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और उसका भी हम प्लान बनाएं। और इसलिए पर्सनल मास्टरी इज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग सम न्यू नॉलेज, सम स्किल्स और सम एटीट्यूड, इट इज ऑल्सो अबाउट बींग सेल्फ अवेयर, जो जसविंदर मैम बता रहे थे कि आपको अपने बारे में अवेयरनेस होना, अपनी एक्शंस के बारे में, अपने रिएक्शंस के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में अवेयरनेस होना, उसका स्वीकार करना और उसे विलिंगली आगे बढ़ने की कोशिश करना, वो बहुत जरूरी है। ओनली देन वी विल बी एबल टू, और तब क्या होगा, लर्निंग इटसेल्फ विल बी अ रिवॉर्ड टू अस। सो आई विल नॉट लुक फॉर अ सर्टिफिकेट, आई वुड नॉट लुक फॉर अ डिग्री, बट इट वुड बी द प्लेजर ऑफ ग्रोइंग, द प्लेजर ऑफ लर्निंग
that itself will become my reward. That itself will become my certificate. So this is what about personal mastery. And a few questions which will help us reflect. When did I begin to formulate a purpose for my professional life? As individuals, as professionals, हमने कब बैठ कर ये सोचा कि आज मेरी जिंदगी के 20 साल स्कूल में हो गए हैं. What is it that I have learned, I have done in these years? What is it that I want to do in future, in the coming 10 years of my service? How should it be different? And therefore, how do I want to grow if I want to be different? तो क्या हम अपनी professional life के बारे में इस प्रकार से analysis करते हैं, इस प्रकार से सोचते हैं, इस प्रकार से प्लान करते हैं? Unless we do that, we will not be able to reach for the personal mastery. And it is very easy. जो रोज बरोज के काम में खो जाना, खत्म करके घर पे सो जाना, बहुत आसान है. But इस प्रकार का reflection time देना मुश्किल है. Has it really become a part of my personality? एक बार नहीं, आज बोला इसलिए नहीं, वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा, मेरी दिनचर्या का अहम हिस्सा हो जाना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी का भाग. Am I aware of my own shortfalls, ignorance, and how do I become aware of this? Which is the incident that has really influenced me significantly, made me think about my notions about values of rights, wrongs, good, bad? हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, नजरिए होते हैं, जिसके आधार पे हम ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे सब तय करते हैं. कभी हमने बैठ के उनके बारे में भी सोचा कि ये जो इमोशंस हैं ये कितने सही हैं? एंड व्हाई एम आई व्हाट आई एम टुडे? अगर मैं वो भी एनालाइज करूँ तो वो मुझे बहुत